हेलो फ्रेंड्स, हर्ष वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ओप्पो A3s एंड्रॉयड फ़ोन में रियलमी UI 3.0 थीम का आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कैसे आप सेट कर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में रियलमी UI 3.0 थीम को सेट कर चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में रियलमी UI 3.0 थीम को आप सेट करना चाहते हो तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटे के बटन हो उसे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों, इस थीम को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को इस थीम के बारे में बता देना चाहूँगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो थीम है, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इस थीम को अप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स आपका एंड्रॉयड फ़ोन में जो ऐप का आइकन है वो पूरी तरह से चेंजेस हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको देखने को पूरी तरह से चेंजेस हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप सेटिंग्स की बात करो तो सेटिंग्स में आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको सेटिंग्स आपको देखने को, सेटिंग्स का लुक भी आपको चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ओप्पो A3s एंड्रॉयड फ़ोन में जो लुक रहता है उससे चेंजेस ही आपको देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा फाइल मैनेजर। मैं फाइल मैनेजर पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फाइल मैनेजर पे क्लिक करने का तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले से आपको चेंजेस ही आपको देखने को मिल रहे हैं, देखिए। और दोस्तों, अगर आप फोल्डर की बात करें तो फोल्डर भी आपको चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को फोल्डर को भी दिखा देता हूँ, देखिए। ओप्पो A3s एंड्रॉयड फ़ोन में जो फोल्डर का लुक रहता है उससे चेंजेस ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस थीम को स्टार्टिंग से बताऊंगा कि इस थीम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो सबसे पहले मैं इस थीम को हमारे एंड्रॉयड फ़ोन से रिमूव कर लेता हूँ, मैं इस थीम को हटा लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस थीम को हमारे एंड्रॉयड फ़ोन से रिमूव कर लिया हूं। तो इस थीम को अप्लाई करने से पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन के थीम स्टोर ऐप पे आपको कुछ देर के लिए क्लिक एंड होल्ड करना है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने क्लिक एंड होल्ड किया, इसके बाद आपको देखने को ऐप इन्फो, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करने का तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला स्टोरेज यूजेज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने का तो आपको इन दोनों को क्लियर कर देना है, क्लियर डाटा और क्लियर कैच को। तो मैं यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक से दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों को क्लियर कर दिया। इसको यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और इसके बाद अब इस थीम को आप जहाँ डाउनलोड करके रखे हैं वहाँ आपको चला जाना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस थीम का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस थीम पर चले जाता हूँ, देखिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इस थीम पर आ चुका हूँ। तो इस थीम पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इस थीम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने का तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे इस थीम का। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं इस थीम को हमारे एंड्रॉइड फोन में अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको देखने को मिले फ्री ट्रायल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फ्री ट्रायल पर क्लिक करेगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ये थीम आपका एंड्रॉइड फोन में अप्लाई हो रहे हैं, देखिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो थीम आपका एंड्रॉइड फोन में अप्लाई हो चुके हैं। और दोस्तों, इस थीम को अप्लाई करने के बाद अपने एंड्रॉइड फोन को आपको एक बार रीस्टार्ट आपको कर लेना है। तो मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने हमारे एंड्रॉइड फोन को रीस्टार्ट कर लिया। रीस्टार्ट करने से फ्रेंड्स, ये जो आपका एंड्रॉइड फोन में ये थीम को आप अप्लाई किया, ये प्रॉपर तरीके से आपका एंड्रॉइड फोन में वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने एंड्रॉइड फोन में इस थीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी के बटन हो उसे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले, तब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।